Hello guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. So guys, I am back with another video today. और आज मैं reaction देने वाली हूँ Holly Holly song पे, जो खेल खेल में movie का new song है. इसके singers है हमारे यो यो हनी सिंह पाजी, गुरु रंधावा and नेहा कक्कर. और अक्षय कुमार की फिल्म है. अक्षय कुमार बैक टू बैक मूवीज निकाल रहे हैं यार. अभी सरफिरा आई थी एंड मैंने सुना था कि जब वो प्रमोशन कर रहे थे सरफिरा की तो उनको कोविड हो गया था एंड आई थिंक वो ठीक है. तो ये मूवी आ रही है और एमी विर्क भी है इस मूवी में. एमी विर्क की भी अभी बैड न्यूज आई विकी कौशल और तृप्ति डिमरी के साथ. और वो मूवी अच्छी खासी चल रही है बॉक्स ऑफिस में, सुनने में तो यही आ रहा है. और आई थिंक एमी विर्क का डेब्यू था वो. हाँ, तो ये सेकेंड मूवी है, मतलब हिंदी बॉलीवुड में डेब्यू था एमी विर्क का. और अब ये सेकेंड मूवी आई थिंक वो कर रहे हैं. इसमें आदित्य शील भी है, इसमें तापसी पन्नू है, वानी है, तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस है इसमें. और तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सुन लेते हैं सॉन्ग एंड आफ्टर दैट आई विल गिव माय रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. मोटी अख तेरी कर दी सवाल, टेढ़ा टेढ़ा तके हुई जांदा बुरा हाल, कच दा शरीर तेरा करदा कमाल, जे तू माइंड ना करे मैं करा टच नी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एवे तोड़ के ना बह जी नी तू लक नी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एवे तोड़ के ना बह जी नी तू लक नी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी. ਉਹ ਗਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਤਬਾਈ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੂਨ ਕਰ ਸ਼ਾਈਨ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਿੱਲੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਨੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਨੀ ਐਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ ਨੀ ਤੂੰ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਨੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਨੀ ਤੇਰੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਈਜ਼ੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਿਆ ਨਾ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਈਜ਼ੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਿਆ ਨਾ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਓ ਓ ਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰੋ ਓ ਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰੋ ਓ ਓ आज मेरी वाइफ की इकलौती बहन की शादी के लिए मैं जयपुर में गया. फ्लाइट मिस हो जाती तो वो औरत इस एक बात का इशू बना के हमारी शादीशुदा जिंदगी में अनेक साल तक ना जहर घोल देती. तो करती क्या है आपकी वाइफ? नाक में दम. ओके गाइस, सो दिस वाज द सॉन्ग. सॉन्ग बहुत अच्छा था, बहुत कमाल का सॉन्ग था. और इसमें बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस है. इसमें चित्रांगदा भी है. इवन आई डिडंट नो कि चित्रांगदा है इस मूवी में. चित्रांगदा काफी टाइम के बाद देख रही हूँ मैं बॉलीवुड में. लास्ट आई थिंक मैंने उनको अक्षय कुमार की देसी बॉयज मूवी में ही देखा था. उसके बाद उन्होंने मूवी की थी या नहीं आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ मैं बहुत टाइम के बाद उनको देख रही हूँ. चित्रांगदा को उन्होंने की थी आई थिंक, आइटम नंबर्स किए थे उन्होंने आई थिंक. और चित्रांगदा मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो यार बहुत अच्छी लगती है, मतलब है उनमें कुछ. और ये सॉन्ग बहुत कलरफुल लग रहा था. आई थिंक किसी मतलब कोई शादी चल रही है आई थिंक, या फिर कोई फंक्शन चल रहा है उस टाइप का सॉन्ग है. तो जो भी ये मूवी का ट्रेलर मैंने नहीं देखा है, डोंट नो ट्रेलर आउट हुआ है या नहीं. मैंने ये सॉन्ग ही सुना और मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ये मूवी. और सॉन्ग तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा. और नेहा कक्कड़ की वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी. मतलब नेहा बहुत पहले ऐसे सॉन्ग्स गाया करती थी, बीच में आई डोंट नो
मुझे उनकी वॉइस थोड़ी अलग लगती थी, बट हाँ इस सॉन्ग में उनकी वॉइस मुझे काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि उन्होंने वॉइस मॉड्यूलेशन भी किया है और इसमें ऑटो ट्यून वगैरह मुझे इतना नहीं लग रहा है उनका, तो उनकी वॉइस बहुत अच्छी लग रही है। सो और फरदीन खान भी है इस मूवी में। फरदीन खान बहुत टाइम गायक थे बॉलीवुड से, उसके बाद उन्होंने हीरा मंडी की एंड आफ्टर दैट ये मूवी कर रहा है। तो फरदीन खान यार अच्छे एक्टर थे, और अक्षय कुमार तो है ही यार, उनकी बात ही अलग है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था सॉन्ग, और एमी विर्क जो है वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और वो यहाँ पे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। आदित्य शील भी, उन्होंने तुम बिन टू की थी, वो बहुत अच्छे एक्टर है वो भी। सो सब बहुत अच्छा लग रहा था, सॉन्ग बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट सॉन्ग था, नोट्स भी बहुत प्यारे थे, लिरिक्स भी बहुत प्यारे थे, एंड हाँ अच्छे सिंगर्स ने गाया है ऑब्वियसली। तो गुरु रंधावा को बहुत टाइम के बाद आई थिंक आई एम कवरिंग, क्योंकि इसके पहले आई थिंक शहनाज के साथ उनका सॉन्ग आउट हुआ था, बीच में और भी सॉन्ग आउट हुआ था बट हमने कवर नहीं किया था, बट हाँ और भी सॉन्ग आउट हुए थे उनके। और गुरु रंधावा भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, कुछ कहना नहीं है उनको उसमें, और हनी पाजी तो है ही यार। सो यार सॉन्ग तो अमेजिंग था, और मेरा मन है ये मूवी देखने का, क्योंकि ये मूवी पता नहीं मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, और बहुत आई डोंट नो मुझे जब मतलब सी जब बहुत सारे एक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है ना हर मूवी में, वो मतलब बहुत सारे, जैसे हाउसफुल मूवी आई है इसमें बहुत सारे एक्टर्स रहे हैं, फिर वेलकम में बहुत सारे एक्टर्स रहे हैं, और भी बहुत सारी मूवीज आई जिसमें बहुत सारे एक्टर्स रहे हैं, लेकिन वो देखने में मजा नहीं आता, बॉन्डिंग का भी एक बात आ जाता है ना ऐसा टाइप का। तो ये मूवी ये देख के ये जस्ट ये सॉन्ग सुन के लग रहा है कि ये और उन लोगों में जिस हिसाब की बॉन्डिंग दिख रही है, ऐसा देख के लग रहा है कि ये मूवी बहुत अच्छी होगी। आई वॉन्ट टू नो कि इस मूवी का प्लॉट क्या है। मैंने ट्रेलर नहीं देखा है, अगर आउट हुआ है तो आप लोग बताना अगर ट्रेलर आउट हुआ है, और इस मूवी का प्लॉट क्या है मैंने देखा नहीं है सॉरी। तो या आई रियली वॉन्ट टू सी दिस मूवी। और अक्षय कुमार जब आई थिंक ये कॉमेडी फिल्म है मुझे ऐसा लग रहा है, एंड अक्षय कुमार तो यार जब कॉमेडी फिल्म करते वो फाड़ देते हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग्स बहुत अच्छी है। बहुत टाइम हो गया वैसे भी अक्षय कुमार को कॉमेडी फिल्म में देखे हमें, सो लेट्स सी क्या मूवी है नहीं है। अगर ट्रेलर आउट नहीं हुआ है तो आउट होगा अगर, तो हम लोग उस पर रिएक्शन देंगे। खैर सो दिस वाज द सॉन्ग, और सॉन्ग बहुत अच्छा लगा मुझे, रिएक्शन देखे भी बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। सो अगर आपको भी मेरा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें वहां भी फॉलो करना चाहें तो वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।